हाय गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे अपने आईफोन के कॉलिंग स्क्रीन में फुल फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को एक स्पेशल फ़ोटो असाइन करनी है, तो उसके लिए आप कोई भी फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट कर सकते हो। और उसके लिए गाइज, आपको छोटी सी फ़ोटो नहीं आएगी हर बार, बल्कि फुल स्क्रीन में फ़ोटो शो होगी। और वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलो गाइज, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी दो प्रॉब्लम्स जो आपने अगर पहले कोशिश की है सेट करने की तो नहीं लग रही, एक बार लगती है, दूसरी बार फिर से रिमूव हो जाती है, फ़ोटो फिर से छोटी ही दिखती है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है अगर आप बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास इसका हल है कि अगर आपकी फ़ोटो जो है आप सेट करते हैं फुल स्क्रीन साइज़ में, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद भी, और फिर भी आपकी फ़ोटो जो है वो छोटी ही दिखती है, एक बार ही बड़ी दिखती है और फिर ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाती है, तो इसका क्या फिक्स है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस, आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप किसी भी फ़ोटो को, किसी भी कॉन्टैक्ट को असाइन करना चाहते हैं। मान लो मैं ये वाली फ़ोटो जो है अपने एक कॉन्टैक्ट को असाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। मतलब इस फ़ोटो को अपने आईफोन की स्क्रीन के हिसाब से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, जैसे कि मेरी फुल स्क्रीन आ गई है। सो अब गाइस, आपको जस्ट इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, और अब आपको सिंपली उस स्क्रीनशॉट पे जाना है। अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कर सकते हैं, वरना आपको कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन में तो आ ही जाएगी। अब आपको शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको शेयरिंग शीट मिल जाएगी। आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है असाइन टू कॉन्टैक्ट। नीचे सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पर देख सकते हैं असाइन टू कॉन्टैक्ट, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं असाइन टू कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, और अब जो आपने कॉन्टैक्ट किसी भी नंबर के ऊपर सेट करनी है तो वो आपको कॉन्टैक्ट सेट कर लेना है। और अगर आपको जूम इन वगैरह करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसी है वैसे ही रहने दो, पूरी ही दिखेगी आपको। चूज़ के ऊपर क्लिक करो, अगर आपको कोई फ़िल्टर लगाना है फ़िल्टर सेट कर सकते हो, और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दो, और जस्ट आपकी फ़ोटो जो है फुली सेट हो जाएगी। और गाइस, अब आप बात करते हैं कि अगर फ़ोटो सेट एक बार दिखती है और फिर से गायब हो जाती है, फिर से छोटी आती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो गाइस, वो जो सोल्यूशन आपको मैं बताऊं, काफ़ी कोशिशों के बाद में वो सोल्यूशन मिला कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि छोटी बार बार क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, वो जो इसलिए छोटी होती है, जो भी कॉन्टैक्ट्स आपकी गूगल अकाउंट से आपके आईफोन में आए हैं, वो सबसे पहले आपको आईफोन में आई क्लाउड में सेव करने पड़ेंगे। वो गूगल अकाउंट से रिमूव करो, मतलब कहने का मतलब अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक बार गूगल अकाउंट में अगर आपके आईफोन में आ गए, तो फिर आप एक बार जो अपने गूगल अकाउंट्स वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको रिमूव कर लो। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपके जो गूगल अकाउंट है ना, वो जीमेल में इतनी बड़े साइज़ की फ़ोटो नहीं रखता है, दैट्स वाई ये फ़ोटो आपकी छोटी हो जाती है। तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि मान लो आपने सेटिंग में जाकर गूगल अकाउंट जो ऑन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, अकाउंट्स में जाकर पासवर्ड एंड अकाउंट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं जीमेल वाला अकाउंट आपने ऐड किया है, आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ऑफ़ कर दो, और ये जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एप्पल आईडी में तो अपडेट हो ही चुके हैं, तो फिर आप कॉन्टैक्ट्स को ऑफ़ कर दोगे, तो अब आप अपनी एप्पल आईडी वाले कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जो है फ़ोटो लगा सकते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है, काफ़ी बेहतरीन सोल्यूशन मिला है इसका, और ये 101% है। अगर आपकी नहीं लगती तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा आपको। सो गाइज, ये है तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइज।